अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तारिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं आप दोस्तों को वाल क्लॉक की मशीन को चेंज करने का तरीका सिखाऊंगा। इसका जो ये जो वाल क्लॉक है दोस्तों, ये 3-4 साल चलने के बाद ये जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इसका जो है ये मशीन तब्दील करना पड़ता है। दोस्तों ये जो मशीन है इसको तब्दील करना बहुत ही आसान है, तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को इसका जो ये मशीन है इसको चेंज करने का तरीका सिखाऊँगा। दोस्तों तो इसको चेंज करना बहुत ही आसान है, तो ये इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने वाल क्लॉक को ये जो मशीन है इससे तब्दील कर पाएंगे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। जो ज़्यादातर जो वाल क्लॉक होते हैं दोस्तों, उनमें ये चारों तरफ स्क्रूज लगे होते हैं और इसमें जो ये स्क्रूज नहीं है, तो ये जो है ये लगा हुआ है टैब, इसको हम निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों इसे ओपन करते हैं सबसे पहले। अब स्क्रूज इसको नहीं लगे हुए हैं, तो ट्वीज़र की मदद से इसको हम निकालेंगे। पूरा करना है दोस्तों ताकि इसका शीशा ऐसे नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों इसे निकालते हैं आराम से। ये देखें दोस्तों, ये बाहर आ चुका है हमारा शीशा है, इसे हम साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके ये राड हैं वाल क्लॉक के, सबसे पहले इसे निकालते हैं। ट्वीज़र की मदद से दोस्तों बिल्कुल आराम से आपने निकालना है इनको, ये आराम से निकल जाते हैं। दोस्तों इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद ये जो इसका कांटा कह सकते हैं, राड भी कह सकते हैं दोस्तों, ये तो इसको निकालते हैं और उसके बाद इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसे नोज प्लेट की मदद से इसको ओपन करना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये देखें दोस्तों, ये जो हमारा मशीन है ये बाहर आ चुका है दोस्तों, इसको साइड में रखते हैं। ये बिल्कुल पुराना हो चुका है दोस्तों, इसे हम रखते हैं साइड में। तो चलिए दोस्तों, ये मार्केट से मैं नया वाल क्लॉक का जो नया मशीन है ये लेकर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ये आप यहाँ भी ये वाल क्लॉक्स मिलते हैं दोस्तों, ये उस शॉप से भी आप ये खरीद सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगा वहाँ से दोस्तों, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ये अच्छी क्वालिटी का मशीन है ये, इसके ये जो है वो आपको 250 से 300 तक आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश, और हमने जो ये पुराना निकाला था ये दोस्तों इसे रखते हैं साइड में और इसे अपने वॉल क्लॉक में फिट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसका जो ये स्क्रू है इसे खोलते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छी क्वालिटी का मशीन है और इसके ये नट हैं, इसको साइड में रखते हैं, इसको अच्छी तरीके से फिक्स करना है दोस्तों।
बिल्कुल सेंटर में फिक्स करना था उसे इसको, और इसका जो ये वार्शल है सबसे पहले ये लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो इसका स्क्रू है इसको लगाते हैं। ये देखे दोस्तों, ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगाना, ये आप देख सकते हैं। और इसको जो स्क्रू है इसको टाइट करना है अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो मशीन बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसके जो ये रॉड है इन्हें लगाएंगे दोस्तों। इसका वॉल क्लॉक का जो एक कांटा है, या आप एक कांटा भी कह सकते हैं, और इसका जो ये रॉड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो है इसे लगाएंगे अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको लगाना है। और इसके बाद इसका जो दूसरा है इसे लगाते हैं, ये दूसरा है कांटा है दोस्तों। इसे भी अच्छी तरीके से लगाना है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने लगाए हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगाने हैं। और इसका जो ये सेकंड वाला कांटा है इसे लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैंने अच्छी तरीके से लगाया, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है ये सेल है ये लगाते हैं और इसे चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो सेल है ये मैंने अच्छी तरीके से लगाया है, और ये जो हमारा वॉल क्लॉक है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है दोस्तों इस मशीन को चेंज करना। वॉल क्लॉक जो मशीन है उसे चेंज करना बहुत ही आसान है, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप इसे बनाया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। आप भी इस तरह से अपने वॉल क्लॉक का जो मशीन है इसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है ये इसका जो ये शीशा है दोस्तों, इसे भी सेम इसी तरीके से लगाना है दोस्तों, ये जो है पहले लगा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसको आपने लगाना है दोस्तों। और इसका जो ये तार, ये चारों तरफ है दोस्तों, यहाँ पे हम जो है वो दोबारा सॉल्यूशन टैप लगाएंगे दोस्तों। ये जो पहले लगा हुआ था बिल्कुल इसी तरीके से हम लगाएंगे, और ये जो हमारा वॉल क्लॉक है बिल्कुल रेडी हो जाएगा दोस्तों। और ये जो इसका मशीन है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा वॉल क्लॉक बिल्कुल नया हो चुका है दोस्तों, ये जो इसका ये पुराना मशीन है दोस्तों ये हमने चेंज किया, तो ये हमारा वॉल क्लॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं।
तो आप भी इसी तरीके से अपने वॉल क्लॉक का जो मशीन है उसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों बिल्कुल आसानी के साथ। मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप दोस्तों को बताया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।